हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे यहाँ हो रही है ज़बरदस्त बारिश, रात से ही होने लग रही थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप इसकी बना लेती हूँ। ये देखिए, आपके यहाँ बारिश कैसी आई बताना कमेंट करके। देखिए, आपको दिखाई दे रही होंगी बूंदें गिरती हुई। रात से ही बारिश होने लग रही है, जब मैं सुबह उठी तब भी बारिश होने लग रही थी तो मैंने सोचा ऐसे में और काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं अपनी सिलाई मशीन पर सुबह चाय वगैरह पीकर सिलाई मशीन पर बैठ गई। तो सोचा इसकी भी छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ। जो मैंने हाफ बाजू का डिज़ाइन बनाया है तो इसमें इनर लगा हुआ है। ये देखिए, मैंने इनर और जो कपड़ा था उस पर सिलाई लगा ली और दोनों जहाँ कॉर्नर हैं कट हैं वहाँ पर मैंने जो डोरी है वो इसके अंदर ही अटैच कर दी। बाद में लगाते हैं तो यहाँ पर जैसे वो अलग से ही दिखाई देती है। अब इसमें फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। ये मैं यहाँ कट कर रही हूँ हल्का हल्का, ये कट करने से फिनिशिंग अच्छी बनती है। अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ। ये डोरियाँ ऐसे ही पकड़ के खींच लेंगे, जो इनके कोन वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों पार्ट के बीच में अटैच कर दी थी मैंने। ये देखिए, इससे फिनिशिंग और अच्छी आ गई। अब इनको इक्वल करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सेब को सही तरीके से करते हुए ये मैंने सिलाई कर दी है। इसको हमें ज़्यादा ना तो खींचना है ना ज़्यादा लूज रखना है। ढीले ढीले हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि जो इसकी गोलाई की सेप है वो अच्छे से तैयार हो। ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब ये डोरियां हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। कोई ज़्यादा छोटी करके खुश है तो कोई बड़ी करके, हमने मीडियम साइज़ की ली है। अब हम इसमें यदि वैसे लटकन लगाना चाहें तो लटकन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फैब्रिक का ही लटकन बनाया है फूल टाइप बना के। ये देखिए, इसका बहुत ही अच्छा फूल बनता है इस तरह से फोल्ड करने से। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फूल बनेंगे, और ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको जब हम सीधा करेंगे तो इन फूलों की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी बनकर निकलती है। ये देखिए, ये हाफ बाजू है तो बाजू पर ज़्यादा लटकन अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने एक एक ही लटकन बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा फूल बन गया ये, और शेप कितनी अच्छी आई है इसकी। ऐसे ही मैंने जो सूट है उसके पीछे जो डोरियाँ लगाई है उसकी बनाई, उसमें ये मैंने ज़्यादा अटैच किए हैं फूल बनाकर। ये देखिए, ये बाजू का लास्ट लुक है। ये देखिए बाजू डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।